राजस्थान के भरतपुर में पुलिस व रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों से वाहनों में अवैध रिफिलिंग करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर 27 सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल वाहनों में अवैध रिफिलिंग करने का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली पुलिस ने वाहनों में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडरों से गैस रिफिल करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया। सीओसीटी हवा सिंह ने बताया कि काफी लंबे समय से कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबू सिंह के बाड़े में वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिल करने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता सबूत न मिलने पर कार्रवाई करना आसान नहीं था। शनिवार को भी पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पुलिस ने अचानक मौके पर पहुंच दबिश दी, जहां दो लोग वाहनों में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल करते हुए पाए गए। इस पर पुलिस ने मौके से 27 LPG गैस सिलेंडर जब्त कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। इधर घटना के बारे में रसद विभाग को भी अवगत कराया गया और रसद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। भारत जो अपने गैस है इनके एजेंसी के टेम्पो चालक जो सप्लाई करते हैं सिलेंडर भरे हुए, उनको और उनके हेल्पर को आज हमने सूचना पे टाइम अपने रिफिलिंग करते हुए और यहाँ इंडस्ट्री एरिया के अंदर बाबू सिंह का मकान उसके बाड़े में पकड़ा है। 27 सिलेंडर इनके पास से मिले हैं, जिनमें कुछ रिकॉर्डेड हैं कुछ अनरिकॉर्डेड हैं। ये करते क्या है कि भरे हुए सिलेंडरों में से आधा किलो एक किलो गैस पार करते हैं और 10 से 11 सिलेंडरों में से दो सिलेंडर एक्स्ट्रा बना लेते हैं जो ये भेजते हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास कई भी सी सूचना थी, जिसको आज हमारे चौकी रेल चौकी वालों ने सूचना पे मौके पे पकड़ा, जिसपे मैंने DSO भरतपुर को सूचना दी, जिन्होंने इंस्पेक्टर को भेजा है और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं।